हेलो एवरीवन, आज आप देखेंगे 25x50 की टू पोर्शन हाउस प्लान नॉर्थ फेसिंग उत्तरमुखी हाउस प्लान। यह हमने टू पोर्शन में डिज़ाइन किए हुए हैं। यह 50x66 फीट का एक प्लॉट है जिसके फ्रंट में पार्किंग एरिया हमने छोड़ा हुआ है एंड बैक साइड भी हमने एक पार्किंग एरिया दिया हुआ है। यह फ्रंट का पार्किंग एरिया हमने दिया हुआ है, यह बैक साइड का पार्किंग एरिया हमने दिया हुआ है। यह बैक साइड में पार्किंग एरिया में हमने स्टेयरकेस प्लान करे हुए हैं। यह 25x50 का एक पोर्शन है और 25x50 का यह सेकेंड पोर्शन है। दोनों पोर्शन में सेम प्लानिंग हमने की हुई है। यह 1 BHK प्लानिंग है। गेस्ट रूम बेडरूम किचन टॉयलेट सभी हमने प्लान किए हुए हैं। यह फ्रंट में पार्किंग स्टेयरकेस प्लान किया हुआ है और यहाँ से एक गेस्ट रूम में एंट्री हमने दी हुई है। यह एक गेस्ट रूम दिया हुआ है। अब गेस्ट रूम से चेंजिंग रूम अटैच हमने दिया हुआ है और चेंजिंग रूम से हमने एक अटैच टॉयलेट दिया हुआ है। यह चेंजिंग रूम में चेंजिंग रूम से अटैच टॉयलेट है और इसका एक ओपन डक्ट भी हमने छोड़ा हुआ है। यह जो डक्ट है और इसके बाद यह एक हॉल है, हॉल से हमने वॉश एरिया दिया हुआ है। यह कॉमन टॉयलेट वॉश एरिया से दी हुई है। यह हॉल है, हॉल के बाद हॉल से एंट्री हमने एक बेडरूम में दी हुई है। बेडरूम से अटैच यह टॉयलेट इधर दिया हुआ है। इस टॉयलेट का डक्ट भी इधर दिया हुआ है, इस टॉयलेट का डक्ट भी है। तीनों टॉयलेट का डक्ट हमें यहाँ मिल रहा है जहाँ से सफोकेशन नहीं होगा। और उसके बाद यह डाइनिंग एरिया हमने किचन के सामने दिया हुआ है। यह वास्तु के हिसाब से किचन दिया हुआ है। नॉर्थ फेस अपना प्लान है तो ईस्ट साउथ कॉर्नर पे हमने किचन प्लान किया हुआ है और यह कॉर्नर प्लॉट है, इसलिए हमने एक कॉर्नर से बैक साइड से एक ट्रैक्टर पार्किंग दिया हुआ है। वहाँ से ग्रेन स्टोर हमने बनाया है। ग्रेन स्टोरेज की स्टोरेज का रास्ता हमने एक पीछे से भी दिया हुआ है और यह सेम प्लानिंग हमने सेकेंड पोर्शन में की हुई है। यह जो सेकेंड पोर्शन है यह भी सेम प्लान हमने 1 BHK गेस्ट रूम हमने किया हुआ है। ग्रेन स्टोरेज इसमें भी हमने बनाया हुआ है। उसके बाद यह पार्किंग बैक साइड में है तो यहाँ से डायरेक्ट ऊपर हम जा सकते हैं। यह डोर विंडो का शेड्यूल हमने दिया हुआ है। डोर विंडो के शेड्यूल यहाँ लिखे हुए हैं। सेम डोर विंडो हमें प्लानिंग में एडजस्ट करने हैं। जैसे D1 लिखा हुआ है, D2 लिखा हुआ है, D3 लिखा हुआ है, अलग अलग साइज़ के डोर विंडो है। विंडो के लिए W लिखा हुआ है। इसी प्रकार के अलग अलग साइज़ हमने लिखी हुई है। थैंक यू वॉच फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।